मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया था। इसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। चंडीगढ़ के हल्लो माजरा लाइट पॉइंट से लेकर जीरकपुर तक चक्का जाम दिखा। बता दें कि कई संगठनों ने मिलकर हल्लो माजरा में सुबह 12 से 3 बजे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। जीरकपुर से चंडीगढ़ आने वाले लोग इस चक्का जाम में बुरी तरह फंस गए, जिसके कारण जीरकपुर और ट्रिब्यून चौक पर गाड़ियों की लाइनें लग गई। ट्रिब्यून चौक से पुलिस के द्वारा वाहनों को वापस भेजा जाने लगा ताकि शहर के भीतर और जाम की स्थिति ना बने, लेकिन घंटों तक लगे इस जाम में आम लोगों को काफी सफर करना पड़ा। राहगीरों और नौकरी पेशा लोगों को आधे घंटे का सफर डेढ़ डेढ़ घंटे तक तय करना पड़ा। हालांकि इस दौरान पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने भी हल्लो माजरा लाइट पॉइंट से प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठाने की गनीमत ना सोची। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। मैं यही कहना चाहनी हां कि मोदी सरकार नू कि साडी चेतावनी है, साडे हक्कां दी साडी मंगां पूरियां कीतियां जाण, नहीं तां इह संघर्ष एवें ही चलदा रहेगा ते असीं खड़े हैं, खड़े रहांगे। ये जो संयुक्त किसान मोर्चे ने सानू ये चक्का जाम का जो भी सद्दा दिता है असी उन्हें सफल बना के ही रहांगे। तुसीं देख ही लिया सारे किस तरह सड़क जाम हो गई हैं। ये सिर्फ पंजाब हरियाणे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। असी जो भी काले कानून ये कारपोरेट घराने साड़िया जमीन खो के देना चाहते हैं, कोझिया चाल सरकार चलती है, असी इस कामयाब नहीं हो देवे। असी काले कानूनों रद्द करा के ही रहेंगे। बेशक ये सानू किस तरह साढ़े तुसी देखिए साढ़े नाल छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, साड़िया बीबिया च भी किन्ना जोश है, सारे साढ़े बुजुर्ग असी अपने वीर मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हाँ। असी इस सरकार के बनाए हुए काले कानूनों रद्द करा के ही रुकेंगे। आज बंद का जो किसानों ने किया है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इससे पहले भी किसान काफी बार ऐसा आंदोलन दे चुके हैं। केंद्रीय जो किसान संगठन है उनके आह्वान पे हमारी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है सभी मिलकर के साथ में हमने पहले 8 नवंबर को हमने भारत बंद का भी ऐलान किसानों के समर्थन में किया था, राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक भी की थी, लेकिन आज भी पूरे भारतवर्ष में उनके जो उनका दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश पे 12 से 3 बजे तक आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा संगठन कर रहा है। देखिए सरकार बड़ी ही गूंगी बहरी है, 2 महीने से भी ऊपर का समय बीत गया है, हमारे किसान भाई वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, 200 से भी ज़्यादा किसानों की वहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी हत्यारी सरकार का कोई भी नेता वहाँ पे उनके आंसू पोंछने के लिए भी नहीं गया है और उनका समाधान नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो काले तीनों कानून हैं उनको रद्द करे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे और किसानों के जो जड़े हुए उस पर मरम लगाने का काम करे, न कि किले ठोकने का काम करे। आप देख रहे होंगे कभी बैरिकेड लगाए जाते हैं, कभी मिट्टियाँ डलवाई जाती है, कभी किले खोदी जाती है, कभी कुछ किया जाता है, गड्ढे खुदवाए जाते हैं। कितना और जुर्म मोदी सरकार करेगी? जब अडानी अंबानी का पोता होता है तो मोदी जी मुंबई पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में चारों तरफ से हमारे 3 लाख से भी ज़्यादा किसान बैठे हैं वहाँ, उनके आंसू पहुँचने के लिए मोदी जी अभी नहीं गए हैं। श्रम की बात है, अगर मोदी सरकार जल्दी जागने का काम नहीं करती है और ये तीनों कालो कानून वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन और गंभीर होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आर पार की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।